नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। हम आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग दिखाने जा रहे हैं, जिसका साइज़ है 36। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, हमारी ब्लाउज़ नेट की है, तो इसका अस्तर का कपड़ा है जिसे हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम बैक का पार्ट अपना निकाल लेंगे। 36 के लिए हम यहाँ पे हमने 36 के लिए सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे, जो है 15 इंच। मेरी वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको वीडियो अगर अंत तक देखने के बाद पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये हमारा शोल्डर मार्किंग है, जो है 7 इंच पे। छः इंच पे हमारा आर्म होल का मार्किंग है। हमने ये कपड़ा 9 इंच चेस्ट, हमारी चेस्ट 36 की है, ये हमने मार्किंग पहले किया है गले का 2.5 इंच पे। ये हमारा पीछे का गला है, जो हमारा गला ज्वाइंट है, डीप नहीं है, यानी बंद गला है, तो यहाँ पे 2.5 इंच हमने रखा है बस। हमारी चेस्ट यहाँ पे हमने 9 इंच लिया है कपड़ा। इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, देख सकते हैं आप उतना ही कपड़ा है। और यहाँ पे हमारी कमर है 32, तो यहाँ हमने 8 इंच पे मार्किंग किया है, यहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पे कॉलर लगाना है, तो इसलिए हमने बस 1/2 इंच का मार्जिन रखा है गले पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच ओपन रहेगा ये ब्लाउज। ये हमने अपने अंदाजे से एक डिजाइन बना लिया है राउंड। हमने दस इंच पे हमने लगा लिया है, ताकि हमारा गला ज्यादा डीप ना हो। यहाँ पे हमारा शोल्डर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। सेम कटिंग कर लेंगे। पीछे हम अपने ब्लाउज में हुक लगाएंगे और इसका कॉलर फ्रंट से ज्वाइंट करेंगे। ये हमने डिज़ाइन डाली है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो ना भी डालें, वो आपके ऊपर है। अगर आप जिप लगाते हैं तो इसकी कटिंग ना करें। ये हमारा बैक डिज़ाइन है, अब हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़ा
कंधे की मार्किंग 7 इंच पे। ढाई इंच पे हमने गले की मार्किंग की है, सेम जैसे हमने बैक में किया था। और यहाँ पे गले का डीप हम 3 इंच रख रहे हैं, वहाँ हमने आधा इंच रखा था। यहाँ पे भी हम ऐसे राउंड बना लेंगे। हाफ इंच शोल्डर हमें यहाँ से भी कट करना है। यहाँ से हम करेंगे 4 इंच पे मार्किंग। हमारा चेस्ट था 9 इंच, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। और नीचे का हमारा था 8 इंच यानी 32 इंच, यहाँ भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से हमें लेना है 9 इंच, यहाँ से लेना है 3.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से हम मार्क कर लेंगे। 4 इंच पे हमारा लगेगा मार्किंग ये। हम अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ऐसे सिलाई में जॉइंट होगा दोनों तरफ। इसमें हमारा कप अच्छे से बैठेगा। तो इसी को हम फिर अपने नेट के कपड़े पे रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ हम अपने नेट के कपड़े की कटिंग कर दे रहे हैं। हमने अस्तर यहाँ पे लगा लिया है सेम कपड़े के ऊपर। इसे आप चाहें तो प्लेन कॉटन के कपड़े पे भी बना सकते हैं, या ज़्यादातर ये अस्तर लगा के ही बनता है। हमने हुक के लिए अभी पार्ट काटा नहीं है, पीछे का बैक पार्ट, तो हम सिलने के वक्त काटेंगे। इसकी सिलाई का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। फिलहाल मैंने ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसका सिर्फ कटिंग पार्ट डाला है इसमें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और साथ में अगर आपको और किसी साइज़ या और किसी पैटर्न में ब्लाउज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। इसकी सिलाई का भाग देखना ना भूलें। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।